हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कल है वट सावित्री, तो उसके लिए आज एक दिन उससे पहले मैं मेहंदी को पीस रही हूँ। ये पत्ता वाला मेहंदी है और ये मैं 2 दिन के बाद शेयर कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था जिस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया है, तो लेट से मैं वीडियो को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पत्ता वाला मेहंदी था तो मैं इसे तोड़ के लेके आई हूँ। और ये बहुत बस इसे थोड़ा सा ही पीसने पर इसे हाथ लगाई तो पूरा हाथ थोड़ा लाल हो गया था, और उसके बाद मैं यहाँ पर हाथ धो ली हूँ। इसे बाद में लगाएंगे, अभी इसको पीस के रख दिए हैं। यहाँ पर मैं छोला भटूरा बना रही हूँ नाश्ते में, और यहाँ पर बाबू आ गई है। यहाँ पर तो मम मम कर रही थी, तो यहाँ पर ये पानी भी पी लिए, पानी को मम मम बोलती है। और यहाँ पर बस अब उसको भिजा दिए हैं, क्योंकि वो हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए बोल रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद मैं गैस भी ऑन करूँगी तो ये सब ठीक नहीं है, वहाँ पर खड़ी रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी बंद था तो उसे मैं ऊपर चढ़ा दी। अब यहाँ पर मैं छोला भटूरा, मेरा छोला बन गया है, मैं यहाँ पर भटूरा बनाऊँगी। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, और ये आटा जो है वो पहले से लगा के मैं रखी थी, तो यहाँ पर जो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और आज इनका छुट्टी है तो इसलिए हम लोग थोड़ा देर से भी उठे। और यहाँ पर जो भटूरा है वो 3 मैं इनके लिए बना देती हूँ, और बाद में मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो ये जो भटूरा है वो तेल जो है वो ज़्यादा गर्म हो, अच्छा गर्म होता है, तभी इसको डालने में भटूरा जो है वो अच्छा फूला फूला निकलता है। तो जब भी आप लोग भी बनाइए भटूरा, तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, हीट होना चाहिए तेल, तब आप ऐसे डालिएगा, तब आपका फूला फूला होगा। तो यहाँ पर साइड साइड से ऐसे ऊपर में तेल भी मार रही थी, और जो मेरा भटूरा है वो बहुत अच्छा बना था। तीनों जो मैं बनाई थी वो फूला फूला था। तो यहाँ पर एक एक करके सारे भटूरों को मैं निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हैं मेरा जो नाश्ता है वो भी बन गया है, और कितना अच्छा बना है, एकदम फूला फूला। तो यहाँ पर बस अब इनको नाश्ता देने के लिए जाएंगे, तो बस थाली में यहाँ पर परोस दिए हैं उनका, और ऊपर से थोड़ा सा प्याज दे देते हैं, क्योंकि ऊपर से ये कच्चा प्याज बहुत अच्छा लगता है ऐसे खाने पे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर आके बैठी हुई थी, और अब वो नाश्ता करेंगे। जब तक मैं नहा खींच भी ली, और यहाँ पर कपड़ा भी मैं धो ली हूँ, बस कपड़ा को सार के अपना पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। तो बस मेरा पूजा भी हो गया है, और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं भी अपने लिए 3 यहाँ पर भटूरा बनाई थी, और बस अब थोड़ी देर के बाद नाश्ता करने के कर लूँगी। और इसके ऊपर से प्याज डाला हुआ मेरे को भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं जब भी भटूरा छोला भटूरा बनाती हूँ तो ऊपर से प्याज दे के खाती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ पर दोपहर का समय हो गया था, और आज मैं लंच भी बनाऊंगी क्योंकि आज इनका छुट्टी है। तो सबसे पहले मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि लंच मैं 2 बजे बनाऊँगी, तो यहाँ पर 1-2 घंटा मेरे पास समय है, तो मेरा ये जो मेहंदी है वो भी सूख जाएगा। और आज मैं पत्ता वाला ये मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं लगाई थी, और यहाँ सामने में ही बगान में लगा हुआ था तो मैं लगा ली। और ये देख सकते हैं, ये सिंपल सा मेहंदी मैं लगाई हो, और मेरे को ऐसे भी ज़्यादा कुछ डिजाइन वगैरह नहीं आता है, तो इसी तरीके से मैं ये लगा ली। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा लाल भी हुआ है। अब डिनर सॉरी लंच बना लेते हैं। तो यहाँ पर दाल भी मैं धो के रख दी थी, और यहाँ पर बैंगन भाजा बना रही थी। यहाँ पर मेरा दाल भी हो गया है, चावल भी मेरा हो गया, बस इसको छौंका लगाना था। तो यहाँ पर तड़का पैन में यहाँ पर तड़का लगा देते हैं। तो बस मेरा सारा डिनर भी तैयार हो गया। तो मैं सिंपल यहाँ पर दाल चावल और छोला बचा हुआ था,
और यहाँ पर मैं बनाई थी बैगन भाजा वो, और बस ये सभी हम लोग खाना खाएं। और शाम का समय हो गया था तो मैं थोड़ी देरी के लिए भाभी का घर जा रही हूँ, क्योंकि जो कल वट सावित्री का पूजा है तो देखते हैं क्या क्या सामान का ज़रूरत है, वो बता देगी अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पर बाई रोड में जा रही थी, सामने ही है। तो बस ये मेरे अगले वाले बिल्डिंग में वो रहते हैं, तो बस यहाँ पर उनका ही गेट है। और बस मैं थोड़ी देर में यहाँ पर आ गई थी, और हम लोग अभी मार्केट आए हुए हैं तो पैसा नहीं था, तो ये एटीएम से अपना पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि पूजा में भी ज़रूरत है कुछ पैसा का। और